मेमोरियल पे, और ये वार मेमोरियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के जो शहीद हुए लोग उनकी याद में बनाया गया है। और हम अभी कोहिमा में हैं, नागालैंड की मेन सिटी, और अभी हम हैं यहाँ के वार मेमोरियल पे, और ये वार मेमोरियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के जो शहीद हुए लोग उनकी याद में बनाया गया है। और जैसा कि आई कुड सी, ज़्यादातर ये लोग सब विदेशी फौज के हैं, जैसा कि इनका नाम बता रहा है, सी जे थ्रॉन्टन क्रैकरी। और वार मेमोरियल होने के साथ साथ ये बहुत ही बेहतरीन जगह है कोहिमा में। एज़ यू कैन सी, बहुत ही बढ़िया कोहिमा का व्यू भी यहाँ से आपको मिल रहा है, लगभग 360 डिग्रीज। तो आप जब भी कोहिमा आए तो मेक श्योर कि यू ऑल्सो कम टू दिस वॉर मेमोरियल। जैसा कि आपको बता रहा था कि ये सब विदेशी फौज के सिपाही और ऑफिसर्स थे। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि ये हैं जे मिलिगन, ये हैं, ये गनर थे, और ये 100th गॉर्डन हाईलैंडर्स बटालियन या रेजिमेंट के थे, और ये दूसरे हैं, ये मिस्टर वाइट, ये गनर थे, ये रॉयल बक्स योमैनी, और ये सब यंग एज 23, सो एट द एज ऑफ 23 ये शहीद हो गए थे इसी इलाके के आसपास। और ये हैं, ये जनाब ऑफिसर थे, कैप्टन मेक पीस, और ये रॉयल आर्टिलरी से थे, ये भी 24 की एज पे यहाँ शहीद हुए। और ज़्यादातर लोग सब यंग लग रहे हैं यहाँ पे। और ये हैं आर डब्ल्यू डेविस, ये भी रॉयल आर्टिलरी के हैं, और एज 29। तो आप देखिए कि इतनी यंग एज में इन लोगों ने अपने प्राण दे दिए सिर्फ अपने देश की सेवा करने के लिए, जहाँ से भी ये आए हों। और तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप यू कैन गो इन डीटेल। हुआ था 2338 मतलब इधर शहीद हुआ है। अच्छा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? हाँ सर, उसका मतलब उलुका वो यादाश्त के लिए ये मेमोरियल बनाया सर। तो ये इंडियन फोर्स वाले हैं कि बाहर वाले भी हैं सभी? साहब ये इंडियन का भी है, बाहर का भी है साहब। अच्छा,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वॉर मेमोरियल है ये। चलिए वेरी गुड, यहाँ से वी कैन ऑल्सो सी व्यू ऑफ कोहिमा। This is probably one of the 360 जी हाँ। कोहिमा गाय घटना सा। हाँ। ऊपर में सबसे टॉप में उधर में है। अच्छा। तो जोत्समा है। हाँ। साइज़ प्लेस है उधर में ऊपर में।